बताएगा। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। हर लड़के को अपने बाप में एक हीरो दिखता है और दिखना भी चाहिए, और हर लड़का अपने बाप की तरह ही बनना चाहता है। हम सब यही तो चाहते हैं ना कि एक दिन वो हमें कहे कि आई एम प्राउड ऑफ यू सन, बस इतना ही तो चाहा है। और इसी आस में हम में से कितने लड़के इंसान बन जाते हैं और कितने एनिमल। और मैं तो एनिमल को देखने इसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो ये बाप बेटे का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एनिमल के टीजर और ट्रेलर में एक चीज कॉमन है, वो है इसका बेस्ट पार्ट, जो कि है अनिल कपूर और रणबीर कपूर का टॉक्सिक रिलेशनशिप। और टॉक्सिसिटी किसे पसंद नहीं होती। चलो, देवडी के बाद इंडियन सिनेमा में कुछ तो ऐसा आ रहा है जिसे मैं लूप में देखने वाला हूँ, क्योंकि मैं टॉक्सिक हूँ और मुझे टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा पसंद है। तुम बोलोगे कि कबीर सिंह को तो तुम भूल गए, तो नहीं यार, भूला नहीं हूँ, वो भी अच्छी फिल्म थी, पर उसकी एंडिंग तो हैप्पी थी ना। पर मजा तो सैड एंडिंग में आता है ना, एंडिंग का असली मजा तो तभी है ना जब वो रियल लाइफ की तरह दर्दनाक हो, क्योंकि हैप्पी एंडिंग तो सिर्फ किस्से और कहानियों में होती है। वैसे ट्रेलर टीजर से जो फीलिंग आ रही है वो तो यही आ रही है कि इसकी जो एंडिंग होने वाली है ना वो भी काफी दर्दनाक होने वाली है। मैं पापा और आप बेटा। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। वैसे ट्रेलर के इस सीन ने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। और भी जितने भी सीन्स हैं जिसमें रणबीर कपूर अनिल कपूर को लेके डायलॉग्स बोल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उनका जो ऑब्सेशन है अपने फादर को लेके वो क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे, और वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल भी लग रहा है। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा। देखो, ये मूवी मैं तीन चीजों के लिए देखने जाऊंगा। पहली तो ऑफकोर्स ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है अनिल कपूर और रणबीर कपूर का, यानी बाप बेटे का, उसे देखने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि असली मीट कहानी का उसी में होगा। और जो सेकंड रीजन है ना एनिमल को देखने जाने का, वो है रणबीर कपूर और बॉबी देओल की परफॉर्मेंस। भाई ये दोनों बहुत ही ज्यादा गजब लग रहे हैं। देखो, रणबीर तो ऑफकोर्स ऑसम लग ही रहे हैं हर एक लुक में, चाहे उनका लंबे बाल वाला हो, दाढ़ी वाला हो, बिना दाढ़ी वाला हो, छोटे बाल वाला हो, जैसा भी हो। और ये बाइक वाला सीन, भाई कितना ऑसम लग रहा है ये बंदा। देखो, रणबीर कपूर की चाहे वो फिजिकल परफॉर्मेंस हो, चाहे वो जिस तरीके से अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं अपनी आईज के थ्रू, सब चीज एकदम परफेक्ट लग रही है, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रही है। पर टीजर की तरह ट्रेलर को तो लॉर्ड बॉबी खा गए। मतलब यार, इस ट्रेलर में उनके दो या तीन ही सीन होंगे पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लॉर्ड बॉबी का जो पहला सीन है इस ट्रेलर में, जिसमें उनके चेहरे पे पूरी तरह से खून लगा हुआ है, उनके इमोशन इजीली ये बयां कर रहे हैं कि उन्होंने किसी अपने को खो दिया है। एंड आई थिंक कि वो उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड हो सकती है या फिर बहन भी हो सकती है, आई डोंट नो। और इसी की वजह से ना वो शायद पूरी मूवी में म्यूट रहने वाले हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनका मूवी में कोई भी डायलॉग नहीं होगा। हो सकता है कि इस ट्रेजिडी की वजह से वो म्यूट हो जाएंगे और फिर आखिरी में एक डायलॉग बोलेंगे जब मूवी खत्म होने वाली होगी, मे बी, या फिर वो शुरुआत से म्यूट होंगे, आई डोंट नो। बट यहाँ पे तो अभी तक उनका एक भी डायलॉग हमें सुनने को नहीं मिला है। पर कसम से बॉबी ने तो पूरा फ्रेम ही खा दिया, इतने गजब लग रहे हैं। आई थिंक लॉर्ड बॉबी ने जो अपनी सेकंड इनिंग शुरू करी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हैं। परफॉर्मेंसेज उनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं हर एक फिल्म के साथ, वो और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। और यहाँ पे तो आई थिंक वो अपनी पीक पे होने वाले हैं। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये मूवी हमें डेफिनेटली बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, फिर चाहे वो अनिल कपूर की परफॉर्मेंस हो, रणबीर कपूर की हो या फिर लॉर्ड बॉबी की, सब एकदम परफेक्ट लगने वाले हैं। तो या सेकंड रीज़न मेरा यही है। और तीसरा रीज़न है संदीप रेड्डी वांगा की प्रॉमिस, जो उन्होंने वायलेंस को लेके की थी, और वो प्रॉमिस मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। जितना ट्रेलर और टीजर में देखा है उससे तो लग रहा है कि वायलेंस एकदम फुल थ्रॉटल में होने वाला है, और जब क्लाइमेक्स में ये वाला सीन आएगा ना तो मजा आ जाएगा। ये मूवी सच में लग रही है कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट होने वाली है। इंडियन सिनेमा में इतनी वायलेंट फिल्में बनती नहीं है, एटलीस्ट जो थिएटर में रिलीज होती हैं। ओटीटी पे तो फिर भी अब वायलेंस देखने को मिल जाता है, बट थिएटर में आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा इंडियन सिनेमा में, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मुझे तो ब्लड एंड गोर वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, और टीजर में भी बड़ा मजा आया जो वायलेंस देखा है ना। एक तो वो बहुत ज्यादा स्टाइलिस्टिक लग रही है, और दूसरा ये है कि वो अपने आप को रोकती नहीं है। मतलब इन्होंने कहीं भी कोशिश नहीं करी है किसी भी चीज को रोकने की, मतलब सब पानी के बहाव की तरह बह रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ट्रेलर में सबसे कूल सीन पता है मुझे कौन सा लगा, जो शुरुआत का है ना। देखो, पहले माता पिता बच्चों को समय नहीं देते हैं, और फिर जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जब माता पिता को समय नहीं देते हैं, तो उन्हें वही फील होता है जो बच्चे को 20 साल पहले फील हुआ होगा।
तो संदीप रेड्डी वांगा ने जिस तरीके से इस लाइफ साइकिल को दिखाया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। वैसे इस मूवी में बहुत ज़्यादा मीट होने वाला है मेटाफोर्स और फिलॉसफी का, तो मज़ा आएगा इसको देखने में और इसको डिकोड भी करने में। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एनिमल। ये इस साल की मेरी सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी है। मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके क्या ओपिनियंस है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना और हाँ सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज़।